500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित हुए हैं। खुशी के अवसर पर देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व में रामलला की धूम मची हुई है। क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या जवान, सब लोग राम भक्ति में भाव विभोर हैं। 9 साल की ईश नंदिनी भी राम धुन से ओतप्रोत होकर एक प्यारा सा भजन गाने की जिद करने लगी। एक नन्ही भक्त की जिद के आगे माँ भी बेबस थी, फिर क्या था। बेटी भजन को रिकॉर्ड किया, भजन के बोल बीत गई कई पीढ़ियां। इस दिन के इंतजार में राम विराजे राज गद्दी, योगी की सरकार में इस प्यारे से भजन को लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में बाल भजन गायिका ईश नंदिनी आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। ये मेरा पहला भजन है। इस भजन को मैं प्रभु श्री राम को समर्पित करती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में स्थापित हुए हैं। इसलिए मैंने गाने की लाइन में दोनों विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लिया है। मेरे लिए सभी पार्टी एक समान है। अशोक जादौन जी, टीपी सिंह, अशोक चंदल, ज्ञानेंद्र सिंह, सोनवीर यादव आदि इस दौरान मौजूद रहे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।